मैं कुमार में स्वागत है आपका हमारे जिला से प्रशिक्षण से ओला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सेना भर्ती हुई है, सेना भर्ती से पहले अभी एक फायर ट्रैक का पेपर हुआ था जो 21 अगस्त में हुआ था, तो आप लोगों को हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। पहली बात तो ये बता दें कि बहुत सारे बच्चे फायर गार्ड के बारे में जानते नहीं है कि कौन सी वैकेंसी है, कैसे आती है, क्या क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है, तो उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है जिसका एग्ज़ाम 21 तारीख को हुआ था वो सितंबर में आने वाला है, वो 10 को आ सकता है, 12 को, 15 को, 20 में आ जाएगा, बट सितंबर कन्फर्म है। तो हम आपको आज बता देते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। ये पहली बात तो यूपी SSSC के माध्यम से आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग से। और उसके बाद इसमें पेट भी होता है और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आती है, मंडी समीक्षा अधिकारी वगैरह जो हो गया, UPSSC जो भी वैकेंसी आती है सब इसी से आती है, और UPSSC में ये भी आता है। तो आपको हम यही बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड की जो शारीरिक परीक्षा होती है वो किस तरीके की लेते हैं। इसमें पुरुषों की जो हाइट होती है वो होती है आपकी 168, और छाती बिना फुलाए, चेस्ट मतलब बिना फुलाए लेंगे आपका 84, और फुला करके लेंगे आपका 91, ठीक है। वहीं पर आ जाती है महिला, तो महिला की जो हाइट होती है वो मांगते हैं 152। और जो SC ST में आते हैं तो SC ST में पुरुष की हाइट मांगते हैं 160, और चेस्ट मांगते हैं 82 बिना फुलाए, फुला करके 87। महिला अगर SC ST है तो उसकी 147 तक मांगते हैं, ठीक। ये आपको हमने समझा दिया शारीरिक परीक्षा के मामला, जिन्होंने क्या मांगे रखे हैं, क्या मांगते हैं। तो इससे एक बार समझ लीजिए, जो पुरुषों की लंबाई होगी OBC जनरल वो होगी 168, पुरुषों की लंबाई जो होगी वो होगी 168, और जो छाती होगी जनरल OBC वो मांगेंगे 84 बिना फुलाए, छाती फुला करके 91। महिला हाइट मांगेंगे जनरल OBC की 152, SC ST की मांगेंगे 160, पुरुष की ST SC और महिला की 147 SC ST हाइट। चेस्ट की बात करें तो SC ST जो पुरुष होगा उसकी 82 होगी बिना फुलाए, और 87 मांगेंगे फुला करके। इतना आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। उसके बाद आ जाता है इसमें PET फिजिकल इंटेंसिटी टेस्ट होता है, तो उसको इसमें आप जो पुरुष की दौड़ मांगी जाती है 25 किलोमीटर की दौड़ होती है, उसमें आपको 4 घंटे में पूरा करना होता है 10 किलो वेट के साथ में, ठीक है। 25 किलोमीटर दौड़ 10 किलो वजन के साथ 4 घंटे में। वहीं पर आती है महिला अभ्यर्थी, तो महिला अभ्यर्थी की जो क्या नाम रनिंग मांगते हैं वो मांगते हैं 14 किलोमीटर दौड़ होती है, ये भी होती है 10 किलो वजन के साथ। इसको ध्यान में रखिएगा, महिला हो चाहे पुरुष हो 10 किलो का वजन मैंडेटरी है दोनों के लिए, ठीक। उसके बाद 4 घंटे इसमें भी, जो पुरुष को 25 किलोमीटर के लिए 4 घंटे दिए जाते हैं, वही महिला को 14 किलोमीटर के लिए 4 घंटे दिए जाते हैं, क्योंकि ये देवी होती है, ठीक। उसके बाद आपका पेपर में जो मतलब एग्ज़ाम हुआ था, इस फिजिकल से पहले एग्ज़ाम जो लेते हैं उसके बारे में बता दें। एग्ज़ाम होता है इसमें बहुत इजी पैटर्न है, 80 नंबर की हिंदी पूछते हैं, आप इसका सिलेबस नेट पे मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं। तो 80 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी, और उसके बाद में 60 नंबर की रीजनिंग रहेगी, 60 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होता है, समय दिया जाता है 2.5 घंटे का, ठीक है। अब बात ये कहने वाली है बाबू, और किसी को भी जो समझ में ना आया हो हमारे कमेंट बॉक्स में वो नंबर आपको दिया गया होगा, कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और रही बात अभी इसकी क्या ना तुम्हारा वीडियो क्वालिटी की, तो बाबू अभी हम अच्छा नहीं दे पा रहे हैं आपको, लेकिन हाँ आपका सहयोग बना रहा तो आगे चल करके हम आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी भी दे देंगे और वॉइस भी अच्छी मिलेगी। लेकिन इसमें अगर आपको किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते, सॉरी हमसे सीधा फ़ोन पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल है, कब फिजिकल लगाता है, कब फिजिकल होगा, कब इसकी रनिंग मतलब होगी, कैसे क्या होती है, क्या नहीं, सब टोटल जानकारी आपको करा दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारी रिटर्न की भी क्लास चल रही है और मॉर्निंग में हमारा फिजिकल भी चलता है। जिस बच्चे को भी फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल में डाउट अगर है तो वो आकर के सिद्धार्थ ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर आपको सुविधा के नाम पर ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन जो आपको वर्क कराया जाएगा वो पूर्णतः ईमानदारी से कराया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं होगा। अगर आपको किसी को लगता है कि हमारी बातों में कोई लाग लपेट है तो आप आकर के हमारा परिणाम देख सकते हैं 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 सबसे ज़्यादा जिला में लखीमपुर की सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण दिए तो सिद्धार्थी से दिए हैं, अन्य कोई अकेडमी अभी तक हमारे बराबर में नहीं है भाई, वो माने भी नहीं देंगे, कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लगे हुए हैं। अभी जो 1 तारीख को भर्ती हुई है फतेहगढ़ ग्राउंड पे, तो वहाँ पर फिर से इतिहास रचा है हमारे बच्चों ने,
एक बार फिर से इतिहास अचार में बच्चों ने हम भी कहते हैं फिर से उन्होंने साबित करके लिखा है कि सिक्कासी डिफेंस अकेडमी बोला कि प्राप्ति क्लास की यहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई छलावा नहीं होता है, कोई इस तरीके की बात नहीं की जाती है, दिखावे वाली जो है वो सत्य है, अन्यथा आपको झूठा दिलासा नहीं दिया जाएगा। आपसे हम लास्ट में यही बोलते हैं कि इसको देख लीजिए, इसमें जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।